नमस्कार, मैं हूं सुधीर डंडोती और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां पर बीजेपी ने अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को खत्म हुए अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, चुनावी मोड में बीजेपी लोकसभा में पूरी तरीके से आ चुकी है। और मध्य प्रदेश में जो खास रणनीति बीजेपी ने अपनाई थी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था, उस क्षेत्र की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी थी, लगभग उसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी और मध्य प्रदेश को जो 29 लोकसभा सीटें उनको 7 क्लस्टर में बीजेपी ने बांटा और 7 क्लस्टर में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति, चुनावी प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। मेरे साथ राकेश चतुर्वेदी हैं, पॉलिटिकल बीट देखते हैं। राकेश, चुनावी तैयारी, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरे चुनाव की तैयारी में बीजेपी आ जाती है, और हम देख भी रहे थे, पर लेकिन इतनी जल्दी क्लस्टर में बांटना, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देखना, कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बीजेपी जो है नई रणनीति के साथ इस चुनाव में आई है। हालांकि बीजेपी हमेशा बोलती है कि हम चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन हम देखें कि रणनीति फिर बदल दी है बीजेपी ने, और जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए हम देखें जो तमाम दिग्गज नेता हैं जो अभी वर्तमान में पद पर बैठे हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक डिप्टी सीएम रीवा देखेंगे, दूसरे डिप्टी सीएम है उज्जैन देखेंगे, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में बड़ा नाम है, वो उनको इंदौर जो क्लस्टर है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल जो बड़े चेहरे हैं जिनसे हम कह सकते हैं तौर पर चुनाव प्रभावित होगा, उन्हें इंचार्ज बनाया गया है। और जो आज बैठक चल रही है, हम ये भी कह सकते हैं कि न सिर्फ इन्हें इंचार्ज बनाया गया है ग्वालियर चंबल की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा, बल्कि सीधे तौर पर जिम्मेदारी होगी। और बीजेपी जो फॉर्मूले की बात कर रही है कि हम 10% अधिक फॉर्मूला यानी 10% अधिक वोट हम लाएंगे, तो बीजेपी नई रणनीति है, नई प्लानिंग है, और चुनावी मोड में पूरी तरह से बीजेपी आ चुकी है, ये हम झलक में देख पा रहे हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की चुनावी तैयारियां, 2 दिन पहले बैठक बुलाई थी सभी 230 विधानसभा के जो प्रत्याशी थे, प्रभारी थे उनके, उसमें से 100 लोग ही आए थे, हालांकि कारण कई सारे बताए थे। क्या लग रहा है कि कौन आगे, बीजेपी कांग्रेस? देखिए, फिलहाल हम प्लानिंग की बात करें, बीजेपी का जो पूरी प्लानिंग है दिल्ली से संचालित हो रही है। हम देख पा रहे हैं कि जब बैठक भी होगी तो दिल्ली में होगी। आज बैठक चल रही है दिल्ली में, बड़ी बैठक है, मध्य प्रदेश के नेताओं को बुलाया, ये शायद इसी रणनीति के तहत बुलाया। बिल्कुल, और हम तैयारी की बात करें तो बीजेपी बात कर रही है कि 58% हमको वोट मिला था 2019 में, अब हमको 10% अधिक लाना है, ये फॉर्मूला वहाँ पर आज तय हो सकता है। कांग्रेस की बात करें, देखिए कांग्रेस में एक जरूर कांग्रेस को फायदा है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश की जो 29 सीट है, 29 में से 28 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, एक मान छिंदवाड़ा है, एक सीट पर निगाह है खोने के लिए। जो बात करें ना, बीजेपी बोल रही है कि 29 में से 29 सीटें लेकर आएंगे, एक सीट कांग्रेस के पास में, कांग्रेस गेन करेगी, आगे जा सकती है, पर लेकिन एक सीट है कम से कम जिस पर बीजेपी तगड़ी निगाह बना के रखी है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की जो रणनीति की बात करें तो बीजेपी का पूरा फोकस है मध्य प्रदेश में। हम कह सकते हैं कि चुनाव की कैंपेनिंग है वो छिंदवाड़ा से शुरुआत हो सकती है, छिंदवाड़ा पर पूरा फोकस रखा है। और मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की बात करें, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सीटें हैं यानी बीजेपी जहाँ पर 2019 में हारी थी उन सीटों पर फोकस किया गया है। तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की बात करें, हालांकि छिंदवाड़ा से कमलनाथ हैं, उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, ये बात अलग है कि 2013 की अपेक्षा 2019 में जो वोट प्रतिशत काफ़ी कम मिला है, 37% से नकुलनाथ की जीत हुई थी। लेकिन हाँ, जो छिंदवाड़ा जिला है कांग्रेस के कब्जा वाला जिला है, वहाँ पर कमलनाथ और नकुलनाथ है उनका क्षेत्र है, वो गढ़ कहा जाता है, अब वहाँ पर बीजेपी सैन लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मात्र सीट छोड़ दी जाए तो, लेकिन बीजेपी की 28 सीटों पर कब्जा बरकरार है, यानी बीजेपी को जो प्लानिंग करना होगी, एक तो ये प्लानिंग करना होगी 28 सीटों पर तो उसके जीत होना सुनिश्चित करना है, और इनमें से यदि एक दो सीट, दो चार भी सीट यदि कांग्रेस ले आती है, वहाँ पर बढ़त बनाती है, तो हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए झटका होगा। और जो बीजेपी की प्लानिंग आप देख पा रहे हैं कि जो नए सिरे से हर बार बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी को यही डर है कि 28 जो सीट है कम से कम वो सुरक्षित रहे और 29 सीट पर काम किया जाए। ये जो परिणाम राकेश साहब विधानसभा चुनाव के, हमने देखा कि बम्पर जीत मिली बीजेपी को, 48% वोट शेयर, 106 सीटें ऐसी थी जहां 50% से ज्यादा वोट शेयर था, पर लेकिन 5 लोकसभा ऐसी हैं जहां पर बीजेपी पिछड़ी थी। ये कांग्रेस के लिए सुखद कहा जा सकता है कि कम से कम एक से बढ़कर 5 विधानसभा के परिणाम ऐसे दिखा रहे हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में, उसमें मुरैना है, इसके अलावा हम धार की बात करें, इसके अलावा हम छिंदवाड़ा की बात करें, ये मतलब ऐसी सीटें हैं कि जो बीजेपी की चैलेंज हो सकती है और जिन नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। क्या लग रहा है वाकई में कि मध्य प्रदेश में सियासत में बड़े लंबे समय बाद वापसी हुई है नेताओं की? पिछला 2 चुनाव लोकसभा के मोदी लहर के भरोसे जीते थे, इस बार भी मोदी मैजिक है, राम मंदिर का देख रहे हो पूरा माहौल बना हुआ, और बीजेपी कहीं ना कहीं उस पूरे माहौल को भुनाने में भी लगी है, पूरे प्लानिंग के साथ में बीजेपी के नेता घर घर जा रहे हैं। कितना असर लग रहा है कि अभी से बीजेपी अगर तैयारी करेगी तमाम चीज़ों का फर्क पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल एक चीज़ तो लोकसभा इलेक्शन में साफ है कि चुनाव किन मुद्दों पर होना है, किन चेहरों पर होना है।
जब वॉल पेंटिंग की बारी आती है कि दीवार लेखन की, तो दिल्ली से शुरुआत होती है और सीधे निर्देश मिलते हैं कि एक घंटे बाद मध्य प्रदेश में दीवार पेंटिंग करना है, और उसमें यही लिखा गया फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी के फेस पर ही चुनाव होगा, जो तमाम अभी वर्तमान मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 हो, यही मुद्दे यहाँ पर गूंजने वाले हैं। और जिस तरह से देखें कि अभी राम मंदिर के मामले में बीजेपी ने बढ़त मिली है मध्य प्रदेश में, पूरे देश की बात करें लेकिन यहाँ से बढ़त मिली है, और जब राम मंदिर का जो निमंत्रण केंद्र ने ठुकराया, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि नहीं ठुकराया नहीं है, हम जाएंगे अयोध्या जाएंगे लेकिन 22 तारीख को नहीं जाएंगे, उसके आगे जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे। तो एक बात तो सीधे साफ तौर पर है कि बीजेपी राम मंदिर के मामले को लेकर आगे निकल चुकी है, अब कांग्रेस पीछे उसके रहेगी, और कांग्रेस राम मंदिर के मामले को लेकर जो निमंत्रण ठुकराने वाली बात है उसको भी मध्य प्रदेश के नेता नकार रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर के मामले हैं, यहाँ पर कांग्रेस को लग रहा है यदि इनको छोड़ा गया तो मुश्किल, बड़ी बड़ी ही मुश्किल होगी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर। और यही कारण है कि कांग्रेस ये प्लानिंग कर रही है कि 22 तारीख के बाद कांग्रेस के जो तमाम नेता, प्रतिपक्षी बात हो या पूर्व मंत्रियों की बात हो, वो अयोध्या की ओर रवाना होंगे, अयोध्या में दर्शन करने जाएंगे। तो कांग्रेस भी प्रयास कर रही है इस बात को लेकर कि जो जिनसे लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं उन मुद्दों को यहाँ पर लाया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वही मध्य प्रदेश पहुँचेगी, और मध्य प्रदेश के 9 जिलों में 7 दिन राहुल गांधी बिताएंगे। अब इस यात्रा का क्या इम्पैक्ट होता है ये कहना थोड़ा माहौल बनेगा, मतलब चुनाव से पहले राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश आ रहे हैं, यहाँ पिछला रीजन था मालवा निमाड़ का, इस बार हमने देखा है कि ग्वालियर चंबल में भी जाएंगे, और जो राजस्थान यूपी से इलाका है, लगा हुआ इलाका है, उसके अंदर से एंट्री होगी यात्रा, 2 बार मध्य प्रदेश में आएगी यात्रा, और चुनाव से ठीक पहले लगभग आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो लग रहा है कि ये माहौल जो है कांग्रेस कैसे करा पाएगी। देखिए अब वो कांग्रेस क्रैश कर पाती कि नहीं, लेकिन हाँ माहौल तो जमेगा, माहौल तो बनेगा, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आएंगे क्योंकि तो पिछली यात्रा जो थी राहुल गांधी के समय माहौल था मध्य प्रदेश के अंदर, और लग रहा था कि कांग्रेस ने पता नहीं क्या गेन किया, परिणाम विधानसभा के भले ही कुछ भी आए पर लेकिन जो भीड़ थी, लोग सुनने के लिए देखने के लिए पहुंच रहे थे वहां। बिल्कुल, और जो यात्रा में जो तैयारी है कांग्रेस की, बड़ी बेहद तैयारी है। हालांकि हम कांग्रेस की बात करें तो नई ऊर्जा है, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनको काम करने का पूरा स्पेस है, भरपूर स्पेस है जीतू पटवारी को, क्योंकि कमलनाथ की बात करें तो पहले कमलनाथ पूरे मामले को संभाले हुए थे और अब राहुल गांधी हैं, लेकिन जीतू पटवारी में कहा जाता है कि बड़े नवाचार हैं, ऊर्जावान हैं, बाइक से निकल पड़ते हैं, पैदल चल पड़ते हैं, साइकिल से निकल पड़ते हैं, तो इस तरह की तस्वीरें इसमें देखने को मिल सकती हैं। जरहाटके राहुल गांधी जो, मतलब परिणाम जो भी, पर माहौल तो कम से कम बनाएंगे, जो नए नेता हैं वो जीतू पटवारी, उमंग सिंगार हो, हेमंत कटारे हो, नई जो लीडरशिप दी है कांग्रेस ने, पर लेकिन पुरानी लीडरशिप का क्या, कमलनाथ जी क्या भूमिका रहने वाली है उनकी, अभी तक तो कुछ तय नहीं है, लोकसभा में के खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़वाएंगे या मैनेजमेंट संभालेंगे। दिग्विजय सिंह जी हालांकि चुनाव लड़ सकते हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि शायद भोपाल से फिर से चुनाव लड़ें, हो सकता है कि राजगढ़ से भी चुनाव लड़ें, एक भूमिका है उनकी, पर लेकिन चुनाव लड़वाना भी एक बड़ा चुनौती उनके सामने है। बिल्कुल, और जो किसके चुनाव लड़ाया जाए, किसे ना लड़ाया जाए, फॉर्मूला वही चलेगा कमलनाथ का जो चलता था कि सर्वे होगा, और सर्वे की बात कांग्रेस कह रही है कि अलग अलग स्तर पर सर्वे होगा, 3 चरणों में सर्वे होगा। अब ये बात अलग है कि सर्वे के आधार पर टिकट वितरण होगा या फिर कोई दूसरा फॉर्मूला रहेगा, लेकिन हाँ कांग्रेस ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से कमजोर है, या कांग्रेस प्रयास नहीं कर रही, या कांग्रेस जो है वो तमाम समीकरण साधने का प्रयास नहीं कर रही जिसमें कि लोकसभा में उसको वर्तमान की अपेक्षा में बढ़त मिले, ये उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस ठीक से चली, नए सिरे से चली, तो कांग्रेस को ये उम्मीद है कि वो आगे निकलेगी। मैं बीजेपी पर वापस आता हूँ, माफ कीजिएगा, कि जिन नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, 7 क्लस्टर बांटे गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, ये 7 चेहरे हैं, इनमें से 5 प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, 2 मतलब उनमें से डिप्टी सीएम भी हैं, 3 मंत्री हैं प्रदेश सरकार के अंदर, 1 विधायक है भूपेंद्र सिंह पर, लेकिन बुंदेलखंड सागर के अंदर एक बड़ा हुआ है और सागर सहायक बात है बुंदेलखंड का, उनको जिम्मेदारी मिली है। नरोत्तम मिश्रा भी विधायक भी नहीं है, और उम्मीद की जा रही थी कि शायद लोकसभा का चुनाव लड़े वो, और उम्मीद की जा रही है कि भोपाल, मुरैना या किसी ऐसी सीट से जहाँ चुनाव लड़ाया जाए जहाँ पर उनकी छवि का इस्तेमाल बीजेपी करे, चुनाव प्रबंधन के बाद में चुनाव लड़ना लग रहा है कितनी गुंजाइश है? देखिए बीजेपी है, इसमें नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा चुनाव के पूरे संयोजक बनाए गए थे, लेकिन पूरा लग रहा था कि पूरा लीड वही करने वाले हैं, लेकिन आखिरी में उनको टिकट मिल गया था। तो ये बीजेपी है, ये जो चेहरे हम देख पा रहे हैं इसमें से हो सकता है कि फिर कोई नया फॉर्मूला आ जाए, और जो हो सकता है वर्तमान में मंत्री हैं वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हों,
तो बीजेपी की प्लानिंग है, अमित शाह की प्लानिंग है, पूरी तरह से इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी सीट सुनिश्चित है जो निकल रही है या निकल रही है, वहां तो कोई भी चेहरा दे देंगे, लेकिन जहां पर पैच फंसा होगा, जहां पर दिक्कत होगी, तो हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव लड़ रहे हों, भूपेंद्र सिंह भी चूंकि विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, वो सागर से चुनाव लड़ रहे हों, और हमारे जो मंत्री हैं हो सकता है वो भी चुनाव में हों। संभावना कम है क्योंकि मंत्री बनाया, पर लेकिन मैं एक आखिरी सवाल राकेश लूंगा आपसे, इन बड़े चेहरों में जो अब तक सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का रहा है शिवराज सिंह चौहान, वो भूमिका तय नहीं हुई है, क्या शिवराज जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे, नई भूमिका इस लोकसभा में उनकी क्या लग रहा है आपको, क्या रहने वाली है? देखिए अभी तक हम जो देखे हैं, पार्टी तो चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रहें, और लेकिन शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी बात कही थी जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये उनकी मध्य प्रदेश में वो रहना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में रहेंगे तो उनकी भूमिका तय हो सकती है कि वो फिर से एक बार फिर मुख्यमंत्री के बाद फिर वो सांसद के तौर पर सामने हो। हालांकि ये बात तय हो चुकी है शिवराज सिंह चौहान को जो जिम्मेदारी दी आएगी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में बड़े फेमस हैं, लोग बड़ी जहां बजाते हैं माहौल जमा देते हैं, तो दक्षिण की ओर जो बात कही जा रही है हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जो चूंकि अभी तक स्टार प्रचारक रहेंगे, कम से कम ये तो मान के चले कि बड़े स्टार प्रचारक रहेंगे, चुनाव भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, भले चुनाव न लड़े, लेकिन दक्षिण पर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि दक्षिण में जो बीजेपी जितनी मजबूत होना थी नहीं हो पाई है, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भेजा जाए, यही हम देखें वर्तमान में कि चूंकि उनको लोकसभा की कोई सीधे तौर पर अभी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, तो ये कहा जा सकता है या तो चुनाव लड़ेंगे या फिर दक्षिण की ओर से उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। तो बीजेपी की रणनीति है, बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी ये बीजेपी का आलाकमान तय करेगा, पर लेकिन मध्य प्रदेश के जो बड़े चेहरे चुनावी महारथी जिनको कहा जाता है, उनको मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जिताने की जिम्मेदारी बीजेपी ने दे दी है, 7 क्लस्टर में बांटा गया और 7 बड़े चेहरे उनको जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि कहना होगा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है। नमस्कार।